एक क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देता हूँ। ये सामान्यतः पूछा जाता है कि कौन सा फैट बर्नर सबसे अच्छा होता है। मार्केट में बहुत तरह के फैट बर्नर होता है। बेसिकली उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होता है अलग अलग हो सकता है, कुछ में सिर्फ एक होता है, कुछ में कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कौन सा सबसे अच्छा होता है? तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो आम लोग होते हैं, कॉमन लोग हैं, जैसे कि मैं हूँ, मतलब जो कि रेगुलर जिम नहीं जाता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, डाइट कंट्रोल पे नहीं है, उसके लिए कोई भी फैट बर्नर ना तो अच्छा है, ना तो इफेक्टिव है, ना तो कोई खास काम करेगा। ये फैट बर्नर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं, उन्हीं लोगों पे काम करते हैं जो अपने खाने को कंट्रोल किए रहते हैं, जो जाके जिम में वेट उठाते हैं या कैलोरी बर्न करते हैं दौड़ के, खेल के, तब इन फैट बर्नर का रोल आता है। आम पब्लिक पे इनका जीरो असर है। थोड़ा बहुत हो सकता है किसी को फायदा कर जाए, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो तक, इतना कोई का हो सकता है फायदा कर जाए। ज्यादातर लोगों के कोई फायदा नहीं होता। चाहे आप CLA की बात कर लें, L-कार्निटिन की कर दें, MCT-OIL की कर दें, गार्सिनिया कम्बोजिया की कर दें, या इसके अलावा कैफीन है, या ग्रीन टी है, या काफी वगैरह है, जितने भी तरह की ये सब प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, ये सिर्फ तभी काम करते हैं जब इनको कंट्रोल तरीके से खाया जाए। प्रॉपर डोज होनी चाहिए, 2-3 महीने तक खाना है, साथ में कैलोरी डिफिसिट में रहना है, एक्सरसाइज करना है, और बाकी के जो सप्लीमेंट होते हैं, वे प्रोटीन लेना है या क्रिएटिन लेना है, विटामिन्स लेने हैं, बाहर का तेल मसाला बंद है, तब इनका असर आता है, वो भी थोड़ा बहुत। तो जैसे अगर कोई फैट बर्नर के नाम पे जाता है, मार्केट में से एक कोई पाउडर उठा लाता है किसी भी चीज़ का, कैफीन का लाए, गार्सिनिया कम्बोजिया का लाए, या CLA का लाए, या L-कार्निटिन का मान लो पाउडर ले लेता है और उसको यूज करना चालू कर देता है, तो यकीन मानो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, हल्का सा फर्क पड़ सकता है। तो आप लोग ये जो पूछते हो कि सबसे अच्छा कौन है, तो सबसे अच्छा कौन है या बुरा कौन है, सिर्फ उन लोगों पे ये रूल लागू होता है या उस पे ये बात लागू होती है जो कि जिम वगैरह में जाते हैं, आम पब्लिक पे नहीं होता। बहरहाल ट्राई करने की मैं बात करूं तो L-कार्निटिन को आप ट्राई करो, हो सकता है कि कुछ फायदा हो। ऐसे लोग जो सिर्फ जिम जा रहे हैं, जिनकी डाइट कंट्रोल है, जिम भी नहीं जा रहे हो, थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो, खाना मतलब ठीक ठाक खाते हो, तो इसको ट्राई करो, CLA को ट्राई कर सकते हो। ये दो चीजें हैं जो हो सकता है थोड़ी इफेक्टिव हो। गार्सिनिया कम्बोजिया को कोई ज्यादा रोल नहीं है। कैफीन को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप लेते हो तो इससे थोड़ी सी एक समस्या हो सकती है कि ये हार्ट रेट बढ़ाना, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना, नींद नहीं आएगी और इस तरह की समस्या हो सकती है। थर्मोजेनेसिस बेसिकली कराती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं होता। तो और भी जो सप्लीमेंट होते हैं कुछ खास इफेक्टिव नहीं है, मेरा ये बताने का मकसद है। अगर आपको चर्बी कम करना है, तोन कम करना है, वजन कम करना है, तो सबसे पहले खाने को सुधारो। ये फैट बर्नर सबसे आखिरी ऑप्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका खाना दुरुस्त हो जाए, फिर फिजिकली आप एक्टिव हो जाओ, सप्लीमेंट के नाम पे वे प्रोटीन वगैरह ट्राई कर सकते हो अगर वेजिटेरियन हो तो, क्योंकि प्रोटीन वेजिटेरियन में उतना क्लीन या आसानी से नहीं मिलता जितना कंसंट्रेटेड फॉर्म में वे प्रोटीन में मिलता है। तो इस तरीके से ट्राई करें, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। वजन कम कराना शुरू से ही फैट बर्नर पे नहीं आए। तो ये क्वेश्चन जो पूछते हो कि कौन सा सबसे अच्छा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आम जनता के लिए तो कोई भी अच्छा नहीं है। अच्छा बुरा उन लोगों के लिए है जो जिम में जाते हैं, और जो जिम में जाते हैं उनको मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि हर आदमी के ऊपर अलग अलग तरीके से इनका असर आता है, तो आप 2-3 महीने लेके ट्राई कर लो, ज़्यादातर सेफ होते हैं, कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आता। तो अपनी बॉडी के ऊपर खुद देख लो कि कौन सा इफेक्टिव है, जो इफेक्टिव हो उसको आप साइकिल में यूज कर सकते हो। 2-3 महीने लिया, 1-2 महीने बंद किया, फिर 2-3 महीने लिया, और हर आदमी पे हर कुछ काम नहीं करता। और जैसा कि मैंने बताया कि साइंटिफिक स्टडीज यही बोलती हैं कि ज़्यादातर लोगों पे ये कोई खास काम नहीं करते, थोड़ा बहुत असर जरूर आ सकता है। तो ये कि कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं, ये फैट बर्नर, चर्बी पिघलाने वाला पाउडर, कैप्सूल, दवा या लिक्विड के रूप में भी हो सकता है, तो ये उसके बारे में ये जानकारी हुई। अपने से आप थोड़ा और समझें तभी इसको मतलब लें, मतलब ऐसे जबरदस्ती लेने का कोई मतलब नहीं होता, आपका पैसे बर्बाद होगा और कोई फायदा भी नहीं आएगा। थैंक यू।